हेलो एवरीवन, देखो मैंने बहुत एक सिंपल सा लॉजिक बनाया है। देखो इंटरव्यू में हमेशा ये पूछा जाता है कि आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, तो सबसे पहले यही पूछ लेगा कि आपको ये बताओ एक पुश बटन से वो यूज़ करके हमें स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाना है। मैंने कैसे बनाया इसको, काउंटर अप लगाया, ये पुश बटन है, एक ही पुश बटन यूज किया, काउंटर अप लगाया, ठीक है, और सॉरी इसकी जो रिसेट वैल्यू है, यह रिसेट वैल्यू है, ये प्रीसेट वैल्यू मैंने 1 डाल दी, ठीक है, और ये काउंटर वैल्यू है, मतलब जितनी बार मैं प्रेस करूँगा वो काउंट होकर आ जाएगा, ठीक है। जब मेरा 1 आएगा तो ये मेरी वाली बिट, ये वाली मेरी बिट हाई हो जाएगी, आउटपुट हाई हो जाएगा इसका, ठीक है, क्यू आउटपुट है इसका, ठीक। और मैंने ये लगाया ग्रेटर देन एंड इक्वल ब्लॉक, मतलब अगर मेरा 2 की वैल्यू, मतलब काउंटर की वैल्यू 2 के बराबर आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो वो रिसेट कर दे, मतलब आउटपुट, सॉरी इसकी आउटपुट हाई हो जाए, और आउटपुट पे मैंने लगा दी इसकी रिसेट वैल्यू, जैसे इसकी आउटपुट हाई होगी ये रिसेट हो जाएगा। देखो ये कैसे काम कर रहा है, और सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अभी ये 0 पे है, ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम मैंने प्रेस किया, ये आउटपुट मेरी हाई होगी, ठीक, और यहाँ पे मेरा काउंटर वैल्यू 1 आ रही है, 1 आई, तो ये और ये इक्वल हुआ पी वी एंड सी वी, तो मेरी आउटपुट हाई होगी। अब मैं जैसे इसको दोबारा प्रेस करूँगा ना, अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा इसी बटन को, तो देखना ये जैसे ये दो होगा, जो सी वी 2 होगा, 2 के बराबर होगा, तो ये हाई हो जाएगा आउटपुट, और जैसे ही आउटपुट हाई होगा आउटपुट से रिसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हो गया, ठीक है, दोबारा प्रेस करता हूँ इसी को, 0 हो गया, तीसरी बार फिर करता हूँ 0 हो गया, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, PLC, SCADA, HMI, VFD, DCS वगैरह, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूरी वीडियो आएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इससे रिलेटेड आएंगी पूरी वीडियो।